लाइट्स कैमरा एक्शन। आवाज इसकी गई हुई है, बोलियो। आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन स्पेशल, नो फायर कुकिंग, जो ये बनाएगी अपने भाई के लिए, ठीक है। ये है मेरे भाई की बेटी जिसके स्कूल में राखी सेलिब्रेशन था, और ये मेरे पास आई थी कि बुआ कुछ नो फायर कुकिंग करते हैं, क्योंकि एक बार हमने पहले भी फादर्स डे पर की थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसलिए बहाने बच्चों के लिए भी एक वीडियो बन जाएगी। तो राखी सेलिब्रेशन के लिए हमने लिए हैं 10-10 रुपए वाले 4 ओरियो बिस्किट के पैकेट, जिसमें से हमने व्हाइट क्रीम को अलग कर लिया है और जो ब्लैक वाले बिस्किट के पोर्शन होते हैं उनको हमने मिक्सर जार में डाल दिया है। मिक्सर जार में कर देंगे हम ब्लेंड, अच्छे से इसका बना देंगे हम चुकरा चुकरा, यानी कि हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और इसका इस तरह से पाउडर बना देंगे। पाउडर को हमें इसको डो के तैयार करना है पाउडर का, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे अंदर की फिलिंग तैयार, जिसके लिए हमने जो ये व्हाइट वाली क्रीम ली थी उसमें हम डेसिकेटेड कोकोनट मिक्स करेंगे 3 चम्मच के लगभग, और दूध लिया है मैंने नॉर्मल उबला हुआ और नॉर्मल टेम्परेचर पर। 2 से 3 चम्मच आपका इसमें दूध डलेगा, या जैसे भी आपका देख लीजिए कि बहुत ज्यादा पतली कंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में 2 से 3 चम्मच दूध सफिशियंट है। मिक्स कीजिए अच्छे से और इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए, तो जो हमारी अंदर से फिलिंग भरने में काम आएगा। तो बस जी, यहाँ पर हमारा पेस्ट भी तैयार है और जो ओरियो बिस्किट है उसका पाउडर भी तैयार है, और इसी दूध से ही, जो हमने दूध लिया है नॉर्मल, उसी से ही हमने इसका डो तैयार करना है। यहाँ पर दूध धीरे धीरे डालना है, 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच करके, और इसका थोड़ा टाइट डो लगाना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, जैसे हमारा आटे का डो होता है ना वैसे। और बाय चांस आपका डो पतला हो गया है और आपके पास और ओरियो बिस्किट भी नहीं है तो स्पेशल लेने मत जाइएगा। जो भी आपके पास घर में बिस्किट हो ना, चाहे गुड्डे के हों चाहे पार्ले जी के हों, हल्का सा क्रश करके डाल दीजिएगा, उसी से डो लगा लीजिएगा, तो आपका डो सेट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारा डो बिल्कुल रेडी है, इस तरह से कुछ डो हमारा बना है। और हमने एक साफ पॉलिथिन लिया है जिसपे हम इस डो को रख के टैप टैप कर लेंगे, या एक पॉलिथिन के ऊपर आप एक रख के बेलन की हेल्प से भी कर सकते हैं, हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। हम तो यहाँ इसके साथ, मैं तो यहाँ इसके साथ एंजॉय कर रही थी, तो हमने हाथों की हेल्प से भी कर लिया। और जो आपने स्प्रेड बनाया था वो आप इसे बीच में फैला दीजिए, जो आपने रोल बनाया है उसके बीच में फैला दीजिए, और अपने इस स्प्रेड को फैलाने के बाद इसे रोल 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 कर लीजिए, कुछ इस तरह से, जैसे आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि हमने एक के ऊपर एक करके रोल कर लिया है। और इसको 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए, या आप शाम को बनाते हैं तो शाम को फ्रीजर में रख दीजिए, सुबह आपको बच्चों को टिफिन में देना है, सुबह कट करके दे दीजिए। बस यहाँ पर हमने रख दिया है फ्रिज में और उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो ये तो चली गई थी, नेक्स्ट डे मैंने खुद ही कट किया, और इसके लिए मैंने खुद ही फ्रिज से निकाला और कट किया, क्योंकि ये तो अपना बनवा के चली गई, देख के कि जब मेरे सेलिब्रेशन होगा तो मैं ये बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से कुछ सेट हो गया है और मैंने नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लिया है। आपका ओरियो सुशी कह लीजिए तैयार है, अगर इसको फैंसी नेम देना चाहें, या फिर आपकी चॉकलेट कोकोनट बर्फी भी तैयार है, जो भी आप कहना चाहें। टिफिन में पैक कीजिए, साथ में मैंने रख दी है राखी भी, बच्चे इसे बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि एक तो ओरियो बिस्किट से बने उनके फेवरेट होते हैं, और साथ ही साथ इसने उन्होंने बनाया होगा या उनकी हेल्प से बनाया होगा तो और भी अच्छे लगेंगे। और ऐसा नहीं, इसे बच्चे ही खा सकते हैं, आप लोग भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेंगे।